कहाँ रहते हैं? लंगूरा थाना भमौरा। आज यहाँ शिकायत करने आए, क्या मामला है पूरा? ये सुरकेश शर्मा ने मेरे ऊपर छिहत्तर लगवाई है। गांव की मंजू नाम की एक बहू है, वीरेंद्र की, किसान है वो। वो कहाँ रहते हैं? वो लंगूरा में ही रहता था, अब इस समय मजदूरी कर रहा है यहाँ बरेली में। अच्छा, उसे एक महीने से छोड़ के, मतलब एक महीना हो गया, मतलब उसके पास नहीं है वो मंजू। हाँ मंजू। मंजू कहाँ है? मंजू मतलब सुरकेश के पास हो या सुरकेश के लोगों के पास हो। हाँ, और सिपाही है वो, मैं बहुत परेशान हूँ उससे। अच्छा, पूरा कहाँ परेशान? और छिहत्तर लगाई उसने, मैं दातागंज में था और बिछड़िया में था। तो अब आप थाने इस संबंध में गए थे? थाने गए शिकायत करने? थाने नहीं गया था मैं। अच्छा, थाने से पहले ही से उन्हें थाने वालों को पता है। तो आप साहब से मिलने आए हो? हाँ, 18 मुकदमे चल रहे हैं उसका। अच्छा, और गांव में कोई उसके, अभी मैं यहाँ पर हूँ, कोई शराबी भिजवाया है, वो मेरे बच्चे को गाली दे रहा है, वहाँ 100 नंबर गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, गाँव गाँव का प्रधान होते हुए इतना दिक्कत है कि कोई उसके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता, इतना डरा हुआ गाँव, बहुत परेशान हूँ। तो पुलिस से मिला हुआ है वो? पुलिस से? हाँ, पुलिस से ही मिला हुआ है। कल मेरी आ रहा था, गाड़ी भी मेरी रुकवाई थी कि बदमाश जा रहा है, आतंक जा रहा है इसमें, मतलब चेक कराई थी और एक बार और चेक कराई थी। आप क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, मुझे सजा दी जाए, और उनके गुर्गे हैं जो जिनसे बातचीत होती है, उनकी जांच हो कि कौन उसे शाही थाने लेके गया, और जिस उसी थाने में मुकदमा लगाता है जिस थाने में उसके जान पहचान के लोग होते हैं, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, बहुत परेशानी है। राम निवास सर, कहाँ रहते हो? ग्राम अरेला थाना फतेहगंजपुरी। आज यहाँ SSP ऑफिस आए आप शिकायत करने, क्या है मामला? साहब वो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं साहब, हमें उनसे खतरा भी है साहब, वो जमीन जा रहे हैं चक्कर में, हमें मारना चाह रहे हैं साहब। हमारे कौन है, क्या नाम है? विनीत पाल है, अनिल कुमार है, राजवीर है, राजवीर पाल। जमीन का क्या मामला? जमीन साहब वो हमारी ले घरवाली है, वो साहब आती नहीं है, दीपावली गई हमने चार बार लेवाने भी गए, अब वो साहब आई नहीं। तो जमीन किसकी है, किसके नाम? जमीन साहब हमारे नाम माँ बाप है नहीं, जमीन सोच रहे मार के इसको, और साहब लड़की का नाम आ जाएगी। जमीन साल 15 बीघा जमीन है हमारे पास। तो वो लोग आपका दबाव बनाते हैं? दबाव बनाते हैं साहब, मारने की धमकी भी दी, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है साहब उनकी। रिकॉर्डिंग है जी साहब। तो आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? साहब सख्त कार्रवाई हो साहब, मुझे डराते हैं आके घर में। थाने गए तो क्या हुआ? थाने साहब उन लोगों ने भगा दिया, कुछ सुनाई नहीं हमसे। आप साहब से मिलने आए हो? जी साहब। क्या नाम है आपका? क्या क्या हुआ था? हमारे घर पे आए 10 लोग रात में 8 बजे, विनीत पार, अनिल और गुंडे वगैरह उनके साथ जो हैं, और अनगरी लोग थे उन्हें हम जानते हैं, और उन्होंने मुझे द्वार खुलवाए। आप कौन है इनकी? अच्छा, फिर क्या हुआ? हमारे पति मेंटन है, ये मेंटन है, तो उन्होंने मारा पीटा, इनको भी मारा, हमको भी मारा, मार पीट करके चले गए, लड़की का बहाना करके लाए। लड़की का बहाना करके अपनी, अब जैसे इनकी बीवी है वो आती नहीं, तो उस रात में लेके आए उसे, उसने के बहाने, मतलब जो इनकी पत्नी है उनके परिवार के लोग थे। हाँ, उसके मामा उमा थे। अच्छा, चलो ठीक। ख्याली राम, क्या कहाँ रहते हो? ग्राम लंगूरा। बताओ। थाना भमौरा। क्या जिला? क्या मामला है? क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारी ये है कि वो आए दिन पूरे गांव में ऐसा कोई बिरादरी का लोग नहीं है जिसको वो सताता नहीं है, उसे एक नंबर से लेकर 2 नंबर तक के सारे काम उसके चल रहे हैं, उसको पुलिस कोई देखने वाला नहीं है। उसकी शिकायत करने आओ तो अधिकारी कहते हैं अरे तुम बेवजह उसमें प्रार्थना पत्र लगाते हो, और हम कम से कम कहते हैं हमने प्रार्थना पत्र जो दिया कम से कम उसकी जाँच तो करो, सही है गलत है, दोषी है तो हमारे पर तो कार्रवाई करो। तो पुलिस जांच नहीं करती? बोले कोई जांच नहीं करती, घर बैठे वहीं जांच हो जाती है, वहीं से झूठी रिपोर्टें शासन प्रशासन को भेज दी जाती हैं, उस पर इसमें मौजूदा 17-18 मुकदमे चल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसकी HS खुले, सीट खुले, गैंगस्टर लगे, रास्का लगे, उसकी जांच कर, ऐसे नहीं, जांच करा करके जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, सलाखों के अंदर होना चाहिए, उसने गांव का पूरे क्षेत्र में मतलब आतंक मचा रखा है। सही की बात है। कहाँ, कौन से गांव से? ग्राम अरेला। अच्छा, कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं? साहब हमारे रिश्तेदार हैं, और लड़की का बहाना करके साहब रात में घुसाए। क्या क्या कहाँ से आए हैं आप? ग्राम लंगूरा से। थाना लंगूरा। क्या दिक्कत है यहाँ? SSP ऑफिस आए हैं आप? ये सुरकेश शर्मा है, उन्होंने हम पे 76 लगाई।
फिर थाना साहिब से मैं बिछरैया था,